to the premises of Sambhavna Avasiya Uchch Vidyalaya to our honorable director sir, where our one of the star teachers will get a star rank. Really, that will be a great momentum for all of us, but that will take place in a time coming now. First of all, I request our honorable principal ma'am, Dr. Archana Singh. Always encourage us to do better in our life. Welcome, ma'am. गणतंत्र दिवस के अवसर पे आप सभी को शुभकामना देना चाहूंगी और पूरे देशवासियों को शुभकामना देना चाहूंगी. एक सुखद संयोग कि मां भारती के चरणों में नमन कर रहे हैं और दूसरा विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के भी चरणों में नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं. लेकिन धर्म और राष्ट्र धर्म की बात आती है तो कौन सा धर्म पहले आता है? राष्ट्र धर्म. तो राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए विद्यालय परिसर में पहले हम लोगों ने फ्लैग हॉस्टिंग की, झंडा फहराया और उसके बाद विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का पूजन भी हम करेंगे. भारत मां से मैं मांगना चाहूंगी कि आप अपनी हवा, अपने पानी, अपने अनाज में इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा प्रदान करते हैं कि हम सभी यहां खड़ा हो आपका नमन करते हैं, अपना काम करते हैं, आपका वंदन करते हैं. और मां सरस्वती से मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे और मेरे विद्यार्थियों को सुबुद्धि दें, सुयोग्य बनाएं, अपने कार्य करने की कर्मठता दें, अपने देश के लिए जागरूक होना सिखाएं, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना सिखाएं और समाज और राष्ट्र की रक्षा करना सिखाएं. यह पर्व प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं. स्वतंत्रता के बाद देश को संविधान निर्माताओं ने लिखित पुस्तक, जिसे हम संविधान के नाम से जानते हैं, का निर्माण किया और उसी के तहत इस देश का नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, नौकरी पेशा नौकरी करता है, व्यवसाय करने वाला व्यवसाय करता है और विद्यार्थी अपना विद्या अध्ययन करता है. कानून ने, संविधान ने हमें कुछ कि बच्चों को पनिश नहीं करना है. अच्छा है, पनिश नहीं करना चाहिए, लेकिन स्कूल में ही नहीं, घरों में भी बच्चों को पनिश नहीं.
तो ऐसा होता है क्या? बिना डर के, बिन डर न होए प्रीत, बिना डर के कुछ पॉसिबल नहीं है। जजमेंट हम लोग देते हैं या देना चाहते हैं, वो आपके आने वाले भावी भविष्य के लिए, एक सुंदर निर्माण के लिए, आपके चारित्रिक निर्माण के लिए हम लोग उस पनिशमेंट को देते हैं, या आपके माता पिता अभिभावक उस पनिशमेंट को देते हैं, और आपको लेने के लिए सहर्ष तैयार रहना चाहिए। कभी भी गलतियों पे ही आपको पनिशमेंट मिलती है, हाँ या ना? सभी नहीं बोल रहे हैं। उसको पीटता है। शिक्षक या अभिभावक वैसे ही होते हैं, आपके व्यक्तित्व के संपूर्ण निर्माण के लिए थोड़ा सा सहारा भी देते हैं और थोड़ी सी फुगाई भी करते हैं, करते हैं ना, हल्के हल्के, टाइट भी नहीं करते हैं, नहीं तो टूट जाएगा, तो हल्के हल्के करते हैं। तो वो आपके चारित्रिक निर्माण के लिए, आपके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए और विकास के लिए वो जरूरी होता है, होता है। yes, तो ये हो गया। चलिए आपके चारित्रिक निर्माण की बात। चारित्रिक निर्माण क्यों? चारित्रिक निर्माण इसलिए कि आप बड़े होकर अपने अभिभावक का केयर कर सकें, आप बड़े होकर के अपने समाज का केयर कर सकें, आप विद्यार्थी जीवन में गुरुजनों का आदर कर सकें। ठीक है, जो हमारी हमारे रूल रेगुलेशन है कहीं के भी, घर के, स्कूल के, या फिर हमारे देश के, उसके विरोध की एक सीमा होनी चाहिए, उसके विरोध का एक सदा हुआ तरीका होना चाहिए, ना कि उग्रता में हम ऐसा कुछ कर जाएं कि अपना ही, अपने ही समाज का, अपने ही देश का। मैं नहीं चाहती कि हमारे युवा हो, कम से कम इस कैंपस के बच्चे तो ना हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। क्या आप ऐसा करोगे? अपनी उग्रता पे काबू रखोगे? अपनी बात बनवाने का एक सलीका होता है, ठीक है, गांधी जी का सत्याग्रह है, गांधी जी की अहिंसा है, उस तरीके से भी हम मनवा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है अफजल जैसे लोगों की, जब बात आती है आतंकवादियों की, जब बात आती है कुछ निर्भया कांड और तत्काल अभी जो हुआ दिल्ली में उस कांड जैसे लोगों की, उसके लिए हमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव भी बनना पड़ेगा। स्थानीय शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मझौआ तथा शारदा स्मृति संभावना पब्लिक स्कूल मौलाबाग में समारोह पूर्वक गणतंत्र दिवस तथा सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। समारोह के प्रथम सत्र में विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने राष्ट्रीय झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं तथा शिक्षक कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि हमारे संविधान ने हमें एक तरफ बहुत सारे अधिकार दिए हैं तो दूसरी तरफ कुछ कर्तव्यों के निर्वहन की जिम्मेवारी भी दी है। हम अपने अधिकारों को तो याद रखते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। उन्होंने देश के संविधान के प्रति अपनी आस्था अटूट बनाए रखने की अपील की। कविता से मैं इस स्पीच है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है, इसकी नदी नदी गंगा जल है, इसका कंकड़ कंकड़ संगत है। जिएंगे तो इस राष्ट्र के लिए और मरेंगे तो इस राष्ट्र के लिए, और मरने के बाद भी गंगा में अगर हमारी अस्थियां प्रभावित होंगी, ये सभी के लिए है। आंख बंद कर लो और महसूस करो, सभी आंख बंद करो और महसूस करो, मरने के बाद भी हमारी अस्थियां गंगा में प्रभावित होंगी। कान लगाकर सुनोगे तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे। She has got the best cadet award from DGNCC headquarter in a few time from now. Troop 2 co-command Alok Atulya. Yes sir. He has also got the best cadet in range firing, race and drill practices. You know, nationalism, patriotism, और आपके सामने अभी उत्तर एक मार्च पास्ट लेकर निकले हैं।
इन बच्चों के लिए जितना भी कहा जाए कर दे, दिल से निकलेगी मां वतन की, वतन की उल्फत मेरी मिट्टी से निकली। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि महाराजा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गांधी जी राय ने अपने संबोधन में कहा कि छात्र छात्राओं को वैसा नागरिक बनना चाहिए जो बड़ा होकर भारत माता का सच्चा सिपाही बने और जरूरत पड़ने पर देश की सुरक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। उन्होंने छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता संग्राम के दिनों के संघर्ष से अवगत कराया। इस अवसर पर विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने आकर्षक परेड का प्रदर्शन किया तथा तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम में विद्यालय के एनसीसी एएनओ प्रवीण कुमार सिंह को विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र और प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने स्टार रैंक पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भाषण तथा कविता पाठ किया। समारोह के द्वितीय सत्र में विद्यालय का वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव बसंत उत्सव 2023 का आयोजन पूरे विधि विधान से मां सरस्वती के पूजन तथा हवन यज्ञ के साथ प्रारंभ हुआ। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने संगीत शिक्षक सरोज कुमार और नृत्य शिक्षक चिंटू कुमार के दिशा निर्देश में गीत संगीत और नृत्य की सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर दर्शक दीर्घ बैठे अतिथि अभिभावक तथा विशिष्ट लोगों को भाव विभोर कर दिया। अनेना पूजनेना कीर्तनेना वंदनेना गणपत्यादि देवता प्रियंताम मम। खड़गम जगदगदे ध्वजापरिघम चोलां भुजण्डेन सिदाये सुदर्शनानं समर्पयामि दामवावः सुदर्शनानं सुदर्शनानं समर्पयामि। समर्पयामि
और मेरठ नगर वगैरह वास्ता में एक अभी जाओ विभाग समान धर्म नवराबादा सान देवने चने सर गुरु सदगुणा देव लक्ष्म सुमर्त्यानी सरस्वती ही नमः वीणा तो सरदार ने नमः शुभदाय नमः सवाहिन्दय नमः नारायणाय स्वाहा।